वो लक का तो मैं मजाक करता हूं बट ओवरऑल दे आर जस्ट अ गुड टीम यू नो दे आर जस्ट बेटर देन एवरीवन एल्स इन द लॉट शुरू करेंगे सिड के साथ सिड पिक वन टीम हु डू यू थिंक इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स टुडे ओ सोल इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स टुडे थग पिक योर टीम सोल आई थिंक आई ऑलरेडी मेंशनड इट इन प्री गेम इट्स इट्स सोल्स डे टुडे कुरात आर यू गोइंग विद सोल एज़ वेल आई बिलीव टीएसएम इट्स टीएसएम

कल हमने देखा टीम एक्स पार्क उनका जो गेम स्टाइल है माउंटेन के ऊपर चारों प्लेयर्स अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं बट अभी तक कोई हमने चैलेंजेस सर्कल नहीं देखे अभी सभी करते हैं का मेटा बन चुका है कि साइड के, के जोन बन रहे हैं रोटेशन में करना एक बहुत मुश्किल चीज है यू थिंक डेफिनेटली मतलब सैनॉक में थोड़ा सा चैलेंजिंग है रोटेशन देना बट अगेन यू हैव टू प्ले दिस मैप एनी तो आपको उसकी आदत डालने की जरूरत होनी uh चाहिए बहुत ज्यादा और मावी जो प्ले स्टाइल से खेलता है मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट आई थिंक फॉर प्लेयर्स नॉर्मली क्योंकि हम भी उसके साथ पहले ट्राई कर चुके हैं ही हैज अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ही हैज अ वेरी डिफरेंट अप्रोच टू द गेम और इट्स इट्स नॉट वेरी इजी फॉर पीपल टू गेट यूज्ड टू दैट जैसे आप वीरू को भी देख लीजिए वीरू जब सोल के साथ खेल रहा था ही वाजंट शाइनिंग दैट मच बट जब अभी वो मावी के साथ खेल रहा है सडनली शाइनिंग तो इट इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि You know, you cannot judge a player's potential uh, all the time. Like it also depends on the the team that is playing around him, and how the play team plays around him, how the IGL plays around him. So, वही and uh, I'm I'm hoping for a very exciting match again today. I hope for a TX versus Soul uh, fight at the end, hopefully. Touchwood.